Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Larib Ali. This is your mathematics class 9th, unit number 2, real and complex numbers. तो जैसा कि हमने अपनी previous lessons के अंदर ठीक है जो पढ़ा था वो क्या था, किसके बारे में पढ़ रहे थे, real numbers के बारे में, ठीक है, जो कि इस chapter का first part था, real numbers, ठीक है. अब हम इस chapter के जो second part है, जो कि क्या है, that is complex नंबर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन या उनको आप डिवाइड कैसे कर सकते हो, ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है इनमें पढ़ेंगे, ठीक है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स. कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, इनकी पहचान क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के, कैसे आप दो नंबर्स को आपस में, दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. इसके साथ साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है. तो कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था कि रियल नंबर्स किसको बोलते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है. अब कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इनको डिफाइन कैसे किया जाता है, कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी अयोटा, ठीक है, कि ऐसे नंबर जिसको आप इस फॉर्म में लिख सको, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख सको, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, जबकि आपके पास ये जो ए और बी हैं ये क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स. तो उनको आप क्या बोलोगे, कम्प्लेक्स नंबर्स बोलोगे, ठीक है. सिंपल के ऐसे नंबर्स जिसके अंदर क्या आ जाए, अयोटा आ जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, कम्प्लेक्स नंबर बोलोगे, ठीक है. अब इस जनरल फॉर्म में आप देखो तो आपके पास इस नंबर के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है, a प्लस बी अयोटा, ठीक है. तो जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को आप क्या बोलते हो, ये इसका कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कि ये कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, ठीक है. और प्लस बी अयोटा, जिसके साथ अयोटा आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, कि ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है. तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसको आप इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, ए प्लस बी अयोटा के अंदर, इसमें जो ए और बी हैं ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है. और इस नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, और जो सेकेंड पार्ट है इसको आप क्या बोलते हो, इमेजिनरी पार्ट. अब इसको इमेजिनरी पार्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, अयोटा आता है, ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा होता है, अयोटा, ठीक है. ये जो आय है इसको क्या पढ़ती हैं, अयोटा पढ़ती हैं, ठीक है. अब ये अयोटा क्या है, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है, तो जो अयोटा है, इस अयोटा की एक ख़ास वैल्यू है, डेट इज़ अंडर रूट माइनस 1, ठीक है. अब ये अंडर रूट माइनस 1 वैल्यू कहाँ से आई है, कैसे आई है, अब आप जब भी रेडिकल को सॉल्व करते हो, ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि उस रेडिकल के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू हो, ठीक है. जब आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करोगे, फॉर एग्जांपल जब आप -5 + 3 करो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, -2 आएगा, जो कि क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है. तो रेडिकल के अंदर आपके पास क्या आ रही है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है. तो क्योंकि रेडिकल के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप खुद से एक इमेजिनरी नंबर लेट करते हो, ठीक है. और वो जो इमेजिनरी नंबर है वो क्या है, आपके पास अयोटा है, ठीक है. और यहाँ से जब आप नेगेटिव साइन ख़त्म करोगे तो इसकी जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, अयोटा पुट कर दोगे, ठीक है. तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव को क्या कर देगा, चेंज कर देगा पॉजिटिव के अंदर, ठीक है. तो इसलिए हम ये क्या यूज़ करते हैं, साइन अयोटा यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये क्या है, अयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है. और उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस 1 होती है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको आप लिख सकते हो -1 × 2, और ये जो -1 अंडर रूट है, तो जब आप इसको रूट से बाहर लेके आओगे तो ये चेंज जाएगा अयोटा के अंदर, ठीक है. तो ये जो अयोटा है ये क्या करता है, जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है उनको पॉजिटिव करता है, ठीक है. तो इसलिए हम इस जो अयोटा है इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है. तो इसकी जो ख़ास
वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन होती है, ठीक है। तो अगर आप इसका स्केयर ले लो, आयोटा स्केयर, तो माइनस वन का भी स्केयर, अंडर रूट का स्केयर, स्केयर रूट, रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, माइनस वन होती है, ठीक है। तो आपको ये दो वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन होती है और आयोटा स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस वन के इक्वल होती है। तो ये आगे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उनमें ये वैल्यूज़ यूज़ होंगी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जिसको आप इस फॉर्म में लिख सको उनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इसमें जो या आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि जिस ऐसी नंबर जिसमें आयोटा आ जाए उसको आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलोगे, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं यूजली इनको आप डिनोट करते हो जेड के साथ, ठीक है। किससे डिनोट किया जाता है इसको, जेड के साथ, जिसको आप लिख सकते हो जेड इक्वल्स टू बी आयोटा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेती हैं जिसमें मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख के बता देता हूँ, जैसे कि 2 प्लस 3 आयोटा, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह से 1 प्लस आयोटा, ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह से आप इसको 0 प्लस 2 आयोटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो या 3 आयोटा भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब हम चलते हैं कि कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके सामने मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी एग्जांपल के साथ हम इसकी एडिशन भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे, ठीक है। तो जेड वन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। एक जेड टू है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो पहले हम इसको एडिशन के साथ सॉल्व कर लेंगे, फिर इसकी हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी एडिशन कैसे होगी, Z1 प्लस Z2, क्वेश्चन आ जाता है कि ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो आपने इनको ऐड करने के लिए तो Z1 प्लस Z2 करोगे जब आप, तो फिर क्या करोगे, पहले Z1 के एलिमेंट्स नंबर आएगा, Z1 आएगा, 4 प्लस 2 आयोटा, इसको आपने ऐड करना है किसके साथ, Z2 के साथ, ठीक है। तो Z2 किसके इक्वल है, 1 प्लस 3 आयोटा के इक्वल है, ठीक है। तो जब भी आप ऐड कर रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन के लिए आप क्या करोगे, जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, 4 है, और इस नंबर का जो रियल पार्ट है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल क्या होता है कि जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो रियल पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें आयोटा ना हो, ठीक है। तो जो रियल पार्ट है उसको रियल के साथ आप लिख लोगे, 4 प्लस 1, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लोगे, डैट इज़ 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो आपने क्या किया, एडिशन के लिए रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है। सिंपल एडिशन है, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो 2 इसमें से आयोटा आप कॉमन ले सकते हो, तो ये जाएगा 2 प्लस 3 इंटू आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन है तो आपने आयोटा को कॉमन ले लिया। 5 प्लस 2 प्लस 3 डैट इज 5 आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी एडिशन आ गई, Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो ये क्या थी, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जब भी आप एडिशन कर रहे हो, एक तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो रियल पार्ट है वो ऐड होगा रियल पार्ट के साथ और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप ऐड करोगे इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सब्ट्रैक्ट Z1 डैट इज 4 प्लस 2 आयोटा फ्रॉम Z2, ठीक है, डैट इज 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है।
तो अब आपने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जब भी आपके पास यहाँ पे फ्रॉम आ जाए तो इट्स मीन कि आपने सेकंड वैल्यू को पहले रखना है और जो फर्स्ट वैल्यू है उसको बाद में रखना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जेड टू में से जेड वन को माइनस करोगे, ठीक है। तो जेड टू की वैल्यू क्या थी, वन प्लस थ्री आयोटा, ठीक है। इसको आपने माइनस करना है, तो जब भी आप माइनस कर रहे हो तो हमेशा आप क्या यूज़ करोगे, ब्रैकेट यूज़ करोगे, ठीक है। तो इन ब्रैकेट के अंदर आपके पास जेड टू वन की वैल्यू, जेड वन की वैल्यू क्या है, फोर प्लस टू आयोटा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है तो आप इनको खुद भी लेट कर सकते हो जेड वन और जेड टू के इक्वल, ठीक है। अगर आपको गिवन नहीं है कि जेड वन जेड टू, तो आप उसको खुद लेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन प्लस थ्री आयोटा। अब सबसे पहले हम इसका जो नेगेटिव साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस फोर, माइनस प्लस माइनस टू आयोटा, ठीक है। अब उसी तरह से जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ ऐड होगा, इसलिए इनको आपस में इकट्ठा कर दिया, तो वन माइनस फोर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लिया, ठीक है। तो वन माइनस फोर करेंगे तो माइनस थ्री, इसमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस टू आयोटा, माइनस थ्री प्लस थ्री में से टू माइनस की करेंगे तो वन आ जाएगा और साथ आयोटा, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। तो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए आपके पास जो मेथड है वो क्या होता है कि जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ ऐड होगा और या सब्ट्रैक्ट होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपका जो टास्क है वो क्या है कि आपने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने अटैम्प्ट करना है, जिसमें आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 है, ऐड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें आपने इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करना है। इस तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको पहले लेट कर दोगे जेड वन के इक्वल, और जो सेकंड वैल्यू है उसको आप लेट कर दोगे जेड टू के इक्वल, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।